Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and having an amazing day. So finally guys, मैं कर रही हूँ reacting on my fan edits. मुझे नहीं पता है कितने महीनों पहले मैंने आपको बोला था कि मैं बनाने वाली हूँ इस पर वीडियो और नहीं हो पा रहा था. और आज भी ये बहुत unplanned बना है वीडियो. मैं किसी और का कुछ शूट करने आई थी और तभी मैंने प्लान किया कि ये भी बना ही लेती हूँ. तो फाइनली हम यहाँ पर हैं और मैं आज पहली बार बेस्ट ऑफ जेजी के अंडर हैशटैग जितने भी पोस्ट हैं वो पहली बार देखने वाली हूँ. ये बहुत फेमस हो चुका है, मुझे बहुत दिखा है, बट मैंने आज तक ओपन नहीं किया था यही सोच के कि जिस दिन मैं वीडियो शूट करूँगी उस दिन ही देखूँगी. सो लेट्स सी, 15,500 पोस्ट्स. ये आप लोगों ने मेरे ये वीडियो के लिए ही इस हैशटैग के अंदर इतने सारे पोस्ट और एडिट्स डाले हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट. तो कहाँ से स्टार्ट करूँ, आई डोंट नो. तो सबसे पहले आया है ब्यूटीज़ एग्जर इंस्टाग्राम फॉलोअर काउंट, श्रद्धा कपूर, देन जन्नत, देन दीपिका, देन अनुष्का, देन आलिया एंड देन आशी. वाओ, थैंक्स, इट्स नाइस. उसके बाद देर आर 7 कलर्स ऑफ स्प्रिंग रैप्ड इन दिस वन ब्यूटी, और आई एम लाइकिंग इट, इट्स वेरी स्वीट अगेन. And then देखो कौन से इंटरेस्टिंग दिखे मुझे, तो मैं उसको ओके. इसमें मैं बहुत छोटी हूँ. मम्मा मैं इसमें कितने साल की हूँ? मैं इसमें 1 साल की भी नहीं हूँ. कहाँ से मिलते हैं आप लोगों को ये फोटोज मुझे बताओ. और फिर इसमें मैं हूँ आई थिंक 7 or 8 ईयर ओल्ड, है ना? इसमें मैं बहुत छोटी हूँ. उसके बाद ये कुछ 4-5 साल पुरानी फ़ोटो है और ये अभी की फ़ोटो है. ऑल राइट, आई एम लाइकिंग दिस अगेन. अच्छा, जिसको मैं देख रही हूँ उसका मुझे नाम भी नहीं, अभी मैंने किसका देखा था, जना दंडस को जुबैर एक्स कैफे था. उसके बाद मैंने देखा, अच्छा सेम. उसके बाद कहाँ चला गया मेरा फ़ोटो, फैनर डॉट क्रिएशन. ऑल राइट, और ओके तो ये फ़ोटो बहुत पुरानी है. ये है कुछ 2009 और 10 की फ़ोटो, राइट मम्मा, है ना? ये आगा के टाइम की है. तो ये मेरी एक फिल्म थी उसका उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का पिक्चर है. और ये है मेरे 18th बर्थडे का फ़ोटो. आप देख सकते हैं मैं बहुत कम बदली हूँ, बहुत कम चेंजेस आए मुझ में. और ये है क्वीन अंडरस्कोर जन्नत एक्स. ओके, सो नाइस. एंड देन ओ दिस इज़ प्रिटी नाइस, इट्स अ फेस एडिट बट आई लुक नाइस सो आई लाइक. इट्स ओके, मेरा पर्सनल चैनल के लिए वी कैन कट थोड़ा बहुत, चलेगा, बात करो. देन मुझे वीडियोज़ क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे वीडियोज़ पे रिएक्ट करना है. नहीं, कॉपी राइट. ओके, ये फ़ोटो फुलवा की है, ये भावेश है. और ये कल ही मुझे भावेश ने भेजी थी फ़ोटो. ये होली का इवेंट हो रहा था ना, दिस इज 2011, 10 years अगो फ्रॉम नाउ. बाप रे, क्वीन जन्नत द क्वीन ऑफ फेरी, ये बहुत पुराना फैन पेज है मेरा. एंड देन क्या देखूँ, मुझे वीडियोज़ देखने पर मुझे वीडियोज़ इतने कम क्यों दिख रहे हैं, एक दिखा. और ये वाला फ़ोटो भी मैं भी बहुत छोटी हूँ, इसमें मैं कुछ 3-4 साल की हूँ, है ना? इसमें भी मैं बहुत छोटी हूँ. मैं खुद नहीं पहचान पा रही हूँ अपने आप को कि मैं कैसी थी अभी और कैसी हो गई हूँ. बहुत 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 चेंज. और लेट मी सी सम वीडियोस. गाना नहीं सुनेंगे. खैर, मैं अपना नगली रोना बहुत मिस करती हूँ गाइस, क्योंकि मम्मा सी नहीं, मम्मा नाश्ता कर रही हूँ इसमें मैं.
एक फोटो इसमें का बहुत सिमिलर है, जैसे मेरी मम्मी मुझसे काम करवा रही है और मुझसे प्याज छिलवा रही है ना, दिस पराठा रखा है हाँ, और मम्मा खुद पे प्याज से रखा है। नाउ दिस इज अस, वाओ सो क्यूट, दिस इज फ्रॉम फैनत अंडरस्कोर टेल, नाइस। एंड देन ये मेरे 18th बर्थडे का है, एंड देन फिर गाने नहीं चला सकती, दिस इज द ओनली प्रॉब्लम, बट आई कांट प्ले म्यूजिक। मुझे पता नहीं, अपने ऐसे वीडियोस देखना बहुत पसंद है, जन्नत एक्स डिजर्व। गाने वाला वीडियो नहीं चला सकते, ये वीडियो आपने कहाँ से इंस्पायर होके बनाया है? बट क्रिएटिव डिफरेंट एक्चुअली, पहली बार देखा मैंने। और ये मेरा महाराणा प्रताप का इंट्रोडक्शन सीन था, जो मेरा अब तक का बेस्ट इंट्रोडक्शन सीन लगता है मुझे, जिसको होकर भी 7 साल हो गए। 2014 में गया था मामा, कैन यू बिलीव। गाइस जब आप वीडियो देखोगे तो आपको गाना नहीं सुनने मिलेगा, बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज, आप लोगों को भी पता है, आप सबके मोस्टली चैनल्स हैं यूट्यूब पर, तो पर ये क्या है, आई थिंक पहली बार किसी ने आयान का और मेरा कोई सैड या रोने का सीन ऐसे कंबाइन करके एडिट किया है, मैंने पहली बार देखा। इतने सारे ऐसे वीडियोस हैं जो मुझे याद भी नहीं मैंने कब बनाए थे, और अब मैं रैंडमली पिक करने वाली हूँ, किसी भी वो टैप करूँगी एंड लेट्स सी क्या आता है। ओ मर्दा सारा इंडिया आया। ओके फिर से अरे मर्दा सारा इंडिया फिर से भाई कुछ और है, मुझे लगा फिर से आएगा, सबने चश्मे पहने हुए इसमें। साड़ी ब्यूटी ब्यूटी साड़ी ब्यूटी फिल्टर, अरे अरे इतना दिल से नहीं, चलो किसी ने बोला ऐसा आपको अब तक? चलो मैं आपके सामने टैप करती हूँ। शी इज लाइट टू माई डार्क नाइट, हाउ स्वीट, थैंक यू जन्ना डॉट एंजेलिक। मैं इतना नीचे इसलिए जा रही हूँ बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं वीडियो ख़त्म कर दूँ और जो पुराने या नीचे थे उन तक मैं पहुँची ना पाऊँ, इसलिए मैं रैंडमली ऐसे स्क्रोल करके टैप करती हूँ। एक तो ये फ़ोटो मेरा मुझे बहुत फनी लगता है यार, ये इसने अनीश ने लिया था, डांस कर रही थी मैं।
ये गाना मुझे बहुत पसंद है, आपने सुना नहीं होगा वीडियो में मेरी आफरीन। चलो फिर से रैंडम, ओ अगेन बड़ा सारा इंडिया आ गया। चलो चलो चलो, वाईफाई नेटवर्क आ गया। डेविल, कितने क्रिएटिव आइडियाज आप लोग कहाँ से लेके आते हो मुझे भी बताओ थोड़े। आया, ओके सो इट्स ट्रू दैट वेरी डीप। बहुत दुबई का बहुत आ रहे हैं आप लोगों ने, मोस्टली सब दुबई के टाइम पे ही किया था क्या? अरे देखो, अच्छा नहीं नहीं ये दुबई नहीं है, दुबई नहीं है, दुबई नहीं है, ये तो मॉरिशस। अच्छा ये तो कहीं और गई। स्टेप्स बहुत सिमिलर लगा इसलिए डुएट बना दिया, नहीं होते तो भी बना देते आप लोग। चलो अब मैं देख के करती हूँ तो अच्छा मेरा और अयान का हैशटैग यन्नत है क्या? जन्यान है, अयान डालता है जन्यान। This is sweet. एक्चुअली प्रॉब्लम हो गई, मैंने बैक कर दिया और फिर सब ऊपर चला गया, मुझे वापस नीचे जाना पड़ रहा है। गाइस ये देखते हैं, डेडिकेटेड टू ऑल माय IBFS। जन्नत ग्लैम आपने बहुत ब्यूटीफुल एडिट किया है, लाइकिंग इट, इट्स वेरी स्वीट। आई थिंक मुझे इसका पार्ट टू भी बनाना पड़ेगा बिकॉज आप लोगों ने इतने सारे पोस्ट किए, इतने सारे पोस्ट किए। ये मेरा ऑडिशन क्लिप है, बहुत साल पुराना है। कितना ओवर एक्टिंग करती हूँ मैं। देखो मैं बचपन से इतनी ओवर एक्साइटेड रहती हूँ गाइस। चलो आई थिंक बस करते हैं अभी, क्योंकि तो इतने सारे हैं तो नेवर एंडिंग है एक्चुअली, और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। तो गाइस आई डेफिनेटली थिंक कि मैं ना इसका पार्ट टू बनाऊंगी, जल्दी बना लूँगी। इस बार इतने महीने लगाए थे, अब नहीं लगाऊंगी। सो थैंक यू, ये सब बहुत बहुत स्पेशल है, और थैंक यू आप लोगों ने इतने सारे एडिट्स किए हैं। 15,500 विच इज़ अ लॉट, इतने तो फोटोज़ भी नहीं है मेरे फ़ोन में। सो थैंक यू सो मच गाइज, और
अब मैं एक्टिव भी रहूँगी थोड़ा ज़्यादा अपने अपने यूट्यूब पर, और आप मुझे बताओ कमेंट में कि नेक्स्ट मुझे क्या सेगमेंट बनाना चाहिए. एंड थैंक यू सो मच, आई लव यू गाइस.